भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर विमान AN-32 की तलाश जारी है। 3 जून को दोपहर 1 बजे लापता हुए इस विमान का पता लगाने के लिए भारतीय सेना पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें नौसेना की भी मदद ली जा रही है। तमिलनाडु के अराकोणम में तैनात INS राजाली पर P-8I विमान को तैनात किया गया है। ये विमान अत्याधुनिक सेंसरों से लैस होता है और समुद्र में लंबी दूरी तक टोह लेने में सक्षम है। P-8I अपने विशेष रडार और सेंसर से AN-32 को खोजने का काम करेगा। आपको बता दें कि AN-32 सोमवार को असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के लिए उड़ान भरा था। विमान जोरहाट से दिन में 12:25 पर उड़ा था। आखिरी बार उससे दोपहर 1 बजे संपर्क हुआ था। विमान का आखिरी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में चीन सीमा के करीब मिला था। इसके बाद से उसे संपर्क नहीं हो पाया। विमान में 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार थे। विमान को खोजने के लिए कई विमानों को लगाया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मोलो गांव की ओर एक पहाड़ से आदिवासी ग्रामीणों ने काला धुआं निकलते हुए देखा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि तुम्बीन गांव के 3 व्यक्तियों ने कहा कि उस दिन उन्हें मोटा काला धुआं दिखाई दिया था, जो कि मोलो गांव की ओर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ से निकल रहा था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के बयान का सत्यापन किया जा रहा है। विमान की तलाश के लिए 3 खोजी दल बनाए गए हैं, जिसमें सियोमी जिले का एक और सेना का एक दल शामिल है। विभिन्न संभावित स्थानों की ट्रैकिंग की जा रही है। पुलिस, सेना और भारतीय वायुसेना का एक संयुक्त प्रयास दल अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त स्थान की खोज कर रहा है। मुख्यमंत्री खांडू ने सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग और सियोमी के जिला प्रशासन को खोज और बचाव अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। खांडू ने कहा कि सियांग और पश्चिम सियांग के उपायुक्तों ने लापता विमान का पता लगाने के लिए शुरू किए गए कदमों की जानकारी से उन्हें अवगत कराया है। अरुणाचल प्रदेश के जोरहाट व मेचुका के बीच घने जंगल वाले मार्गों पर रूसी मूल के AN-32 ट्रांसपोर्टर का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने MI-17 और ALH हेलीकॉप्टर को सेवा में लगाया है। वहीं 2C-130J और SU-30 को भी लापता विमान की तलाश के लिए लगाया गया है। इसके अलावा इसरो के रडार इमेजिंग सैटेलाइट की मदद ली जा रही है। पूर्वी वायुसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल RD माथुर खोज और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय वायुसेना के लापता जवानों के परिवारों से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि भारतीय रडार जब किसी घटना को कुछ घंटों में हूबहू बता देता है, तो देश के गायब हुए विमान की अब तक जानकारी क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि इतनी बड़ी सैनिकों के गायब होने की खबर भी मीडिया नहीं चला रही है। तो क्या यही असली राष्ट्रवाद है?